सो हे मेरे प्यारे ट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज का वीडियो एक नए क्रिएटर्स के लिए है जो यूट्यूब पे ड्रीम्स लेके आए हैं, बहुत सारे सपने देख के आए हैं, तो उन्हीं के लिए आज का वीडियो डेडिकेटेड है। और मैं आप सभी के सामने एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ फैमिली, हमारे टोटल अभी 4 चैनल हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ। नंबर 1 सौरभ चंदेल, जिसके ऊपर 30,400 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके ऊपर अभी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं। नंबर 2 सौरभ मोटो ब्लॉग के नाम से चैनल है, जिसके ऊपर टोटल सब्सक्राइबर्स हैं 4,300 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और विद इन 2 मंथ्स के अंदर वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है और वहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको साथ में वीडियोस भी बताता रहूँगा कि मैंने कितने वीडियोस चैनल्स के ऊपर अपलोड किए हैं। ठीक है, तो अपने सौरभ चंदेल चैनल के ऊपर मैंने टोटल वीडियोस अपलोड किए हैं 930, सौरभ मोटो ब्लॉग के ऊपर किए हैं 108। नंबर 3 चैनल है मेरा सौरभ चंदेल ब्लॉग्स के नाम से है, जिसके ऊपर मैंने 350 वीडियोस अपलोड किए हैं, और वो मेरा पहला चैनल था और उस चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं 2,400। और मेरा 4th चैनल है हिमाचली मम्मी के नाम से, जिसके ऊपर 1,200 सब्सक्राइबर्स हैं और उसके ऊपर मैंने नियर 100 के आसपास उसके ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं। तो टोटल कैलकुलेशन जब मैंने मिलाई तो टोटल 1,400 वीडियोस के आसपास मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चारों चैनल के ऊपर। विद इन 2.5 ईयर्स के अंदर मैंने इतने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, मतलब हर दिन मैं रेगुलर वीडियोस डालता हूँ, और कई केसेस में मैं 2 वीडियो भी डाल लेता हूँ, है ना, दिन के। तो अब कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये मेरा आपसे सभी से है, जितने भी न्यू क्रिएटर्स या जो हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और हर दिन जब से मैंने यूट्यूब चैनल अपना ये बनाया है, रेगुलर मैं वीडियोज़ डालता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सभी क्रिएटर से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक वर्ड होता है डर, और डर जब हर किसी बंदे के अंदर होता है, और डर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करवा देता है, बहुत बुरी चीज़ें भी आपसे करवा देता है। ठीक है, तो अब इस केस में बहुत सारे क्रिएटर्स व्यूज़ के खाते, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, जस्ट उनको अपने व्यूज़ के खाते वो आपको जस्ट ऐसी चीज़ें बताएंगे जो इन रियलिटी कोई मतलब नहीं रखता है। मैं आपको एक भाषा में, अगर एक वर्ड में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, आज तक अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है, देखिए फैमिली, अगर आप मिलियंस वाले क्रिएटर्स को देख के चलते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि जितनी सक्सेस या जितनी अचीवमेंट उनको मिली है आपको भी मिले, अगर आप सेम उनकी जैसे चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि डुप्लीकेट और कॉपी चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है दोस्त। जो ऑरिजिनल चीज़ होती है, जो ऑरिजिनल ब्रांड होता है, उसी की वैल्यू होती है। और एक चीज़ मैं हमेशा सबको कहता हूँ, जो मेरा दोस्त होता है जिगरी, तो मैं उनको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, बी योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ। और ये ब्रूस ली का एक क्वोट है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हर किसी के अंदर एक काबिलियत है, हर किसी के अंदर एक गुण है। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, दूसरा हो सकता है उस चीज़ को ना कर पाए, उसमें उससे भी अच्छी कोई क्वालिटी हो। तो इसीलिए जो आप हैं उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें। स्टार्टिंग में ये चीज़ करता था कि मैंने कोई क्रिएटर अच्छा देखा, हाँ, फिर मैं उसको डिटो कॉपी करके उसकी तरह बोलना, उसकी तरह वीडियोस बनाना, उसकी तरह एडिटिंग करना, सारी चीज़ें करके वीडियोस डाल देता था। और फिर मैं सोचता था, यार मेरे को व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, मेहनत तो मैंने बहुत की, उस बंदे ने भी सेम वही वीडियो डाला था, है ना, और अभी बारिश भी लग पड़ी है, तो तो सेम यही चीज़ है, बी योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ। कंडीशंस, हालात जैसे भी हो, खुद को रिप्रेजेंट करना है, चाहे जैसे जैसे आप हो, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ों की वैल्यू होती है फैमिली। और खुद मेहनत करते रहना है, और एट द एंड एक ही वर्ड है, विश्वास। खुद पे विश्वास रखोगे, जो आपको लगता है ना बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं, एक वही आपसे मिलने आएंगे, वक्त वक्त की बात होती है ना। तो खुद पे विश्वास रखना, हमेशा खुद के सपना पे विश्वास रखना, और तभी मैं कहता ना, बिलीव इन योर ड्रीम्स, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, हर एक सपना ज़रूर पूरा होगा, बस उस वक्त तक मेहनत करते रहना है, और जब सही वक्त आएगा तो आप और आपकी मंजिल दोनों पास में होंगे, और आप खुद को प्राउड फील करेंगे कि हाँ, मैंने उस टाइम तक मेहनत की और फाइनली अपने ड्रीम को अचीव किया है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, की लविंग, बिलीव इन योर ड्रीम्स। जीतना है, ठीक है, ऐसे नहीं जाना, यूट्यूबर बनना है, अच्छे वाले बनना है, चाहे सक्सेस कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन मेहनत करते रहना है ना। नमस्ते।